अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद वादी मोहम्मदिया के रहने वाले एक शादीशुदा शख्स के नाजायज ताल्लुकात अपने ही भावच के साथ इसकी बीवी ने लगाया इल्जाम। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। जी अम्मा, क्या हुआ अम्मा, क्या परेशानी है? जी, मेरे शोहर और मेरे जेठानी के नाजायज ताल्लुकात हैं। मेरे को उनके रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो मैं मेरी फैमिली को बोलने की कोशिश करी तो मेरा शोहर मेरे को मारते थे और टॉर्चर बहुत करते थे। अगर बोलेंगी तो तेरे को छोड़ देता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ मैं, बोल के मेरे को धमकियाँ देते थे। और जेठ भी खामा ही बैठे हुए रहते थे, जेठानी और मेरे शोहर एक ही रूम में रहते थे। अभी कंप्लेंट करें आप? जी हाँ, मैं राजनगर पुलिस में केस में कंप्लेंट करी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छे से रिस्पांस मिला। अभी क्या चाह रहे हैं आप? मेरे शोहर के साथ अच्छे से एक्शन लिए कोई लिए। तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करें कि मैं जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा शोहर तीसरी शादी करने जा रहे हैं और किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, वो दूसरी लड़की की ना हो। क्या काम करते हो? फ्रूट का बिजनेस करते हैं, आम का। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अजहरुद्दीन है, खरगोश फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है और उनकी बीवी का नाम शाहना सुल्ताना है। मेरे को बहुत टॉर्चर करती है मेरी जेठानी। कहाँ रहते हैं? राजेंद्र नगर मोहम्मद वादी मोहम्मदी में रहते। वालेकुम, मेरा नाम शेख मखदूम है। हमारी बहन को जो है सो एक मोहम्मद अजहरुद्दीन और जो है सो मोहम्मद मोइनुद्दीन और उनकी वाइफ का नाम है वो शाहना सुल्ताना नाम है उनका। और हमारी बहन को दो मरतबा हमारे घर पर आके पसंद करके और बच्चे को आमने सामने बिठा के पसंद करके भी लेकर गए। अभी दो महीने के बाद में जो है सो उन्हों मेरे को पसंद नहीं है बोल के दूसरा टॉर्चर कर रहे। बच्ची को बुलेट गाड़ी लेके आई तो इधर आना, नहीं तो नहीं आना। और मैं दूसरी शादी करता हूँ, तू जिसके पास जाती जा बोल के टॉर्चर कर रहा। और पॉलिटिक्स का भी हमारे को दबाव डाल रहा है, वो लीडर हमारा है, हमारे एमपी साहब हमारे हैं, उन्हों हमारे हैं बोल के ऐसा पॉलिटिक्स का हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। और जो है सो बच्ची को टॉर्चर कर रहा है। मैं तीसरी शादी करता हूँ बोल के तीसरी शादी करने के लिए भी गए थे हम, उसको जाके रुकाए। और ये लोग जो है सो ऐसे ही कर रहे। इससे पहले भी एक शादी किए थे और 45 दिन में वो बच्ची को छोड़ दिए। उसके बाद में हमारी बहन से शादी की है, उसके बाद 1.5 साल हो गया बच्ची को टॉर्चरों पर टॉर्चरा कर रहे हैं। और तीसरी शादी करने के लिए भी गए थे ये लोग और तीसरी शादी जाके हम लोग रुका है। उसके बाद में हम राजेंद्र नगर पीएस में जो है सो कंप्लेंट करें और हमारे को राजेंद्र नगर पीएस से हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। और दूसरी बात, हम शुक्र अदा करते हैं हमारे श्रीधर रेड्डी साहब का, उन्होंने हमको अच्छा रिस्पांस दिए हैं और हमारे को तसल्ली भी दिए हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, आपको इंसाफ मिलेगा करके हमको बोले हैं। बस इतनी गुजारिश है कि और ये लोग कोहिर के रहने वाले हैं, खरगोश नाग के ख़ानदान के नाम से जानने वाले हैं और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए और दूसरे किसी की बच्ची का खराबा ना होना हमारी यही है बस। आप लोग कहाँ रहते? हम लोग फसलान सर में रहते हैं। ये बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा जो है सो वादी है इसमें रहता है, यहाँ हकीम हिल्स में राजेंद्र नगर में। ये लोग किराए से रहते हैं मकान में और हर बच्ची को ऐसे ही कर रहे, सब बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और मीडिया में दलाने का हमारा एक ही मकसद है कि किसी की औरत बच्ची का खराबा ना हो। क्या आप लोग मशहूर हैदराबादी तहारी और कल्याणी बिरयानी का जायका चखना चाहते हैं तो चले आइए A1 गफ्फार कल्याणी बिरयानी होटल को। यहाँ पर आपको कल्याणी बिरयानी के अलावा भी तलावा गोश्त और रुमाली रोटी भी मिल जाएगी। इस होटल का पता है गाजुला रामाराम चंद्रागिरी नगर चौरस्ते के पास। मजीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर फ़ोन करें 6301083094।